So this song is for my dear husband. तू ही मेरी है सारी जमी, चाहे कहीं से चलो तुझे पे ही आके रुको, तेरे सिवा मैं जाऊं कहां, कोई भी राह चुनो तुझे पे ही आके रुको। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया, तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा, तुम मिले तो सब कुछ मिल गया, तुम मिले तो प्यार ही प्यार मिल गया, तुम मिले तो खुशी ही खुशी मिल गई। ये वर्ड्स मैंने अपने आप को जोड़ लिया। तो हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर हस्बैंड, हैप्पी एनिवर्सरी, एंड हाँ थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव एंड अफेक्शन, आई रियली लव यू हबी एंड हवा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज उपासना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन है एंड आई एम सो मच एक्साइटेड बिकॉज मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं क्या करूँ। कल है मेरी एनिवर्सरी एंड आई रियली डोंट हैव इवन अ सिंगल आइडिया कि मैं उन्हें क्या दूँ, क्या करूँ। एंड क्योंकि इस टाइम पे हम भी करिए मूविंग एंड इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है कि पूरा पता है घर सेट करने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, एंड फिर भी हमारा कितना काफ़ी कुछ सेट हो गया है। पूरा ऊपर का पोर्शन हमारा सेट हो गया है बट नीचे का अभी भी हमारा रिमेनिंग रह गया है, और इसी बीच में हमारी आगे एनिवर्सरी एंड मैं पता है क्या कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा। देन आई थॉट कि आई वुड शेयर माई मैरिज, कि हमारी शादी कैसे हुई थी और हम कैसे मिले, वो मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए एंड मुझे शेयर करना चाहिए, तो इट शुड बी अ सरप्राइज फॉर हिम एज वेल एज आप सबको भी पता चलेगा कि मतलब क्या ही हुआ था हमारी शादी में और हम लोग कैसे मिले थे एक दूसरे से। एंड वो भी नीचे काम कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे पापा जी एंड मम्मी जी हैं, सब लोग नीचे हैं। एक्चुअली वो लोग कर्टेंस लगा रहे हैं एंड आई एम हेयर, मैं ऊपर हूँ, मेरी बच्ची सो रही है एंड यहाँ मैं बना रही हूँ वीडियो। सो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कि मतलब किस तरीके से हम लोग मिले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द मंथ, इन द ईयर ऑफ 2017, और 2017 में अप्रैल, अप्रैल में, या दैट्स अ लास्ट अप्रैल, दैट इज 29 अप्रैल। एक्चुअली मैं भी लड़का ढूंढ रही थी बिकॉज उस टाइम पे जो मेरी एज थी दैट वॉज 24। हाँ, उस टाइम पे मैं 24 की थी और एक्चुअली मेरा जुलाई में बर्थडे था, 24th की होती मैं उस टाइम पर। तो हम लोग मतलब मेरा जीवन साथी डॉट कॉम के थ्रू मिले। सबसे पहली तो बात ये डेट वी मीट फ्रॉम जीवन साथी डॉट कॉम। मैंने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ था और कांटेक्ट डाला था अपने पापा का कि जितने भी सारे मतलब उस पे लड़कों के या पेरेंट्स के फ़ोन आते थे वो सीधे पापा के पास में जाकर आते थे, बट मैसेजेस और उसको जो देखना होता था मतलब ऑपरेट मैं पूरा करती थी बट फ़ोन नंबर पापा के पास था, फ़ोन पापा के पास जाता था, डैडी के पास जाता था, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सारे लड़के मिले, देखे, बात करी। गुड़गांव, एक्चुअली उस टाइम पर मैं 2017 में मैं गुड़गांव में रहती थी एंड मैं वहाँ पर ही जॉब करती थी। मैंने 2.5 साल पूरा जॉब करी आफ्टर अपना बीकॉम ऑनर्स ख़त्म करने के बाद, मैंने पूरा 2.5 साल जॉब करी एंड मैं गुड़गांव में ही रहती थी और वो भी मैं हॉस्टल में रहती थी। एंड आई रिमेम्बर कि हम चार लड़कियां हॉस्टल के रूम में रहते थे, मेरी सारी फ्रेंड्स, हम लोग इतना ज़्यादा मज़ा करते थे, बहुत ही मज़ा आता था। मतलब ये लोग कहते हैं ना कि जहाँ पर भी रहो एक घर सा बन जाता है, वो हॉस्टल मेरा पूरा, इतने अच्छी दोस्तें थी मेरा, मतलब वो पूरी लाइन, यू नो, डेट इज सेक्टर 17 गुड़गांव सुखराली इज द फेमस फॉर द गर्ल्स एंड द बॉयज हु आर डूइंग जॉब इन साइबर सिटी गुड़गांव।
और वहाँ के जितने भी आसपास है वहाँ पर जॉब करने पर बहुत ही ज़्यादा, दैट्स अ फेमस यू नो गली इन गुड़गांव, ठीक है। तो मैं वहाँ पर जॉब करती थी, एंड क्या हुआ ना कि कैसे हम लोग मिले, जीवन साथी पर बहुत सारे लड़के मिले, बट मैंने सबसे पहले मैंने इनका प्रोफाइल दिखा क्योंकि मैं देख रही थी कौन लड़के हैं कौन सही है। मैंने इनको रिक्वेस्ट डाली, देन उसके बाद रिमूव कर दी, ठीक है। देन ही सेड यार ये कौन लड़की है, उनका रिस्पॉन्स, मैं उनका रिस्पॉन्स, यार ये कौन लड़की है, पहले रिक्वेस्ट देती है उसके बाद उसने रिमूव कर दी, उसके बाद पता नहीं आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, मैंने फिर से भेज दी है। फिर मैंने उन्होंने लिखा हाय, मैसेज आता है, ठीक है, नॉट कॉल, मैसेज आता है हाय। मैं सीधे लिखा टॉक टू माई पेरेंट्स 9414210, ठीक है, मैंने अपने पापा का नंबर दे दिया, टॉक टू माई पेरेंट्स, एंड उनका रिस्पॉन्स, यार ये अजीब लड़की है बिल्कुल, सीधे मैंने हाई लिखा और उसने लिख दिया टॉक टू माई पेरेंट्स। इस तरीके से जब उन्होंने कॉल किया, उनको मेरे पेरेंट्स को फ़ोन किया, मेरे पापा को, देन मेरे पापा से बात बात हुई इनकी, देन इनके पेरेंट्स की बात हुई, फिर मेरे डैडी ने बोला कि रोली ये लड़का है, देख लो तुम प्रोफाइल, एंड ये यहाँ पर है, और फोटो वोटो दिखाया, मैं लड़का तो ठीक लग रहा है, बात करनी चाहिए थोड़ा, तो हमारी थोड़ी बोली बात शुरू हुई ऐसे। देन हमने बात करी, देन अच्छा लगा बात करके, बहुत अच्छा लगा। देन हम लोग ने पूरा 9 to 10 months हम लोग ने सिर्फ फ़ोन पे वीडियो कॉल करी एंड बात करी, एंड आई नो कि मैं उस टाइम पे पीजी पे रहती थी, एंड मेरी पूरी पूरी रात रात भर इनसे बात होती रहती थी, खूब बातें करते थे हम लोग, एंड क्योंकि यहाँ पर दिन होता था, मेरी वहाँ पर रात होती थी, ठीक है, तो मतलब डे और नाइट का भी रहता था, बट हम लोग खूब बात करते थे, ये भी खूब बात करते थे, एंड इसी तरीके से हम लोग ने जब बात करी, जीवन साथी के थ्रू हम लोग मिले। उसके बाद क्या हुआ ना कि मतलब जिस दिन मेरे पेरेंट्स, हम लोग गए लखनऊ, बेसिकली ही इज़ फ्रॉम लखनऊ, तो हम लोग लखनऊ गए, मेरे पेरेंट्स, मम्मा, मैं, कि अब बात को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग की काफ़ी बात हो चुकी थी एंड हम लोग एक दूसरे को समझने लगे थे, एंड व्हाट आर द थिंग्स कि मतलब व्हाट आर द क्वेश्चंस जो हम लोगों में इन्होंने मेरे से पूछा था और जो मुझे चाहिए था एंड जो इनको चाहिए था, एक जो ढूंढते हैं एक लड़की या लड़के में। तो पहली बात तो मेरी दो शर्तें थी, पहली बात तो आई रियली लव चिकन, क्या आप चिकन खाते हो? ही सेज यस, ये चिकन खाने वाले पर्सन है, बिकॉज आई रियली डोंट वॉन्ट दैट बॉय कि जो चिकन ना खाए। तो या ठीक है, ये टिक मार्क हो गया। दूसरा, शादी के बाद आई रियली डोंट वॉन्ट टू डू इवन अ सिंगल जॉब, बिकॉज मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, एंड ही सेज आई वॉन्ट गर्ल जिसे मैं जॉब ना करूँ, मतलब ना करवाऊँ, ठीक है। मैंने कहा दैट्स रियली ग्रेट, बिकॉज ही रियली नीड्स अ हाउस वाइफ एंड आई वॉन्ट टू बी बिकम अ हाउस वाइफ, एंड यार हाउस वाइफ की भी जो ड्यूटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। आई एम अ हाउस वाइफ एंड आई रियली नो कि मुझे अपनी बच्ची देखनी होती है। दिस इज द नाउ दिस इज द मेन प्रायोरिटी कि मैं अब जॉब बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, बिकॉज मेरी बच्ची एंड आई हैव टू फोकस ऑन हर फुली, मुझे उसको देखना है, अपने पूरे घर को देखना है एंड अपने हस्बैंड को देखना है, अपने घर को देखना है, दैट्स माई रियली जॉब एंड दैट्स अ बेटर परफेक्ट जॉब फॉर अ हाउस वाइफ और बींग अ वूमेन। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड यू नो। देन फिर हमारी इसी बात पर हमारी बात हुई, मेरी तो ये दो शर्तें थी एंड उनकी साइड से भी यही था कि हाँ कि लड़की को, लड़की चिकन विकन खाती है कि नहीं खाती है, और दूसरा कि मैं लड़की को जॉब नहीं करवाना चाहता। दैट्स रियली ग्रेट एंड ही सेज दैट इट्स अप टू यू, इफ यू रियली वॉन्ट टू डू जॉब दैट्स अप टू यू एंड इफ यू रियली डोंट, बट फ्रॉम माई साइड आई रियली डोंट वॉन्ट टू डू। एंड फिर ये शर्त भी हमारी हो गई एंड फिर हमारी बात करते करते काफ़ी हमारी मैचिंग्स मिली, बात करते करते उनको भी अच्छा लगने लगा, मेरे को भी अच्छा लगने लगा। देन फाइनली क्या हुआ, हम लोग लखनऊ गए एंड ये नहीं आए थे यूएस से, इनका यूएस में था कि सीधे ये शादी करने आएंगे, बट फैमिली को देखना था। अब इन्होंने कहा कि चलो मम्मी अब मेरी काफ़ी बात हो गई, अब आप लोग उपासना को देखो। अब भाई हम लोग लखनऊ गए, वहाँ पर हम लोग गए थे एक होटल में, मैं, मम्मी, मेरे डैडी और मेरी बहन। अब जब इन लोग के घर वाले देखने आए, और मैं क्या बताऊँ, 15-16 लोग वो लोग देखने आए और मैं बीच में बैठी,
मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था, मतलब इतना ज्यादा डर लग रहा था, इतने सारे लोग बैठे, मतलब होता है ना कि पहली पहली बार देखने आते हैं, मतलब क्या होगा कि मुझे पसंद करेंगे ये लोग कि नहीं करेंगे, कहीं मतलब मना ना कर देगी लड़की अच्छी नहीं है या वो नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा था। बट बाई गॉड ग्रेस मतलब उनको मैं इतनी ज्यादा अच्छी लगी एंड पापा जी को भी मैं बहुत अच्छी लगी। पापा जी ने मेरी मम्मी को बोला बिल्कुल सही है, यस है हमारी तरफ से। एंड उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा कपकपा रही थी, बिकॉज इट्स अ फीलिंग्स कि मतलब हम जिससे प्यार करते हैं अब उसके सब लोग देखने आ रहे हैं एंड वो फाइनल डिसीजन है कि मतलब फाइनली होने जा रहा है कि हाँ कि हमें लड़की पसंद है या नहीं है। मतलब ये होता ना कि एक फोन पे बात करते हैं और एक मतलब सामने टू सामने देखते हैं, बट बहुत अच्छा रहा, सबको मैं बहुत पसंद आई क्योंकि बहुत लोग देखने आए थे एंड सबको मैं बहुत अच्छी लगी, तो मतलब लगा कि हाँ चलो अब तो फाइनल है। देन उन्होंने बताया, ये भी रात भर जगे रहे, ये रात में नहीं सोए बिकॉज उस टाइम पे डे हो रहा था जब मेरे को सब लोग देखने आए थे, और ये भी रात भर पूरे जगे रहे। इन्होंने भी मेरे को वीडियो कॉल से बात करने की सबसे वीडियो कॉल कर रहे थे, बट मेरे सामने फोन आया, मैं बात ही नहीं कर रही थी बिकॉज मेरा मुंह नीचे ही था, मुझे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी उस टाइम पे कि मैं क्या बोलूँ यार। एंड यू नो सारी बातें रिवील हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब तो सारी बातें उस टाइम की सारी अब मैं रिवील कर रही हूँ ना, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ओके, तो फिर ये हो गया। देन उसके बाद आती है मेरी बच्ची जगने वाली है लग रहा है। देन ये बात थी अक्टूबर की। देन नवंबर आया, दिसंबर आया, एंड दिसंबर में ये इंडिया आ चुके थे। अब दिसंबर में हुई हमारी प्री वेडिंग एंड हम लोग ने प्री वेडिंग करी एंड उसी टाइम पर, प्री वेडिंग के टाइम पर ही हम लोग का बिल्कुल पहली बार हम लोग फेस टू फेस मिले। उस टाइम पे भी हम लोग लखनऊ गए थे और ये भी फिर आए वहाँ पर एंड हम लोग फेस टू फेस। मुझे इतना डर लग रहा था कि मतलब अभी तक तो मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, लेकिन कहते ना कि फ़ोन पे बात करने के बाद भी, इतना वीडियो कॉल्स करने के बाद भी फेस टू फेस मिलने में बहुत ज़्यादा डर और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी। मैं रूम पे साड़ी पहन के बैठी हुई थी एंड बिलीव नहीं करेंगे जिस कमरे में ये लोग आए हुए थे, सब लोग मम्मी पापा और मेरा देवर और ये आए हुए थे मेरे को देखने, मैं कमरे से निकल के जा ही नहीं रही थी यार। मैं भैया को बोली मुझे नहीं आना, मैं नहीं आ रही। मैं किसी तरीके से गई एंड मैंने देखा ही नहीं ऊपर, मैं जस्ट ऐसे देख रही हूँ कि ये तो बहुत सुंदर है यार, ये तो बहुत सुंदर है। तो भाई मेरी तरफ से तो बिल्कुल था उस टाइम पर होना था पक्का कि 100%, क्योंकि आमने सामने देखना था तो उस टाइम पर 100% होना था कि है या नहीं है। तो फ्रॉम माई साइड तो था बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो अपने दिल से इनको पहले ही मान लिया था। एंड ही सेज कि सब लोग मेरे को चिढ़ाते थे कि 10% रह गया है बाकी, अभी 10% रह गया है, 90% है, तो उन्होंने बात बात कर लिया, सबने पेरेंट्स ने देख लिया, बट अभी 10% शशांक के ऊपर है, अगर जब वो देखेगा और जब तुम पसंद आओगी तो। एंड उन्होंने एक गिफ्ट लिया और मिठाई का डिब्बा लिया एंड मेरे हाथ में दिया, बोले ये लो तुम्हारा 10%। वो वहां पर एक अलग ही जोक बन गया था, जब सब लोग थे वो वहां पर एक अलग ही जोक। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं हंसू या क्या बोलूं, तो मैं बोल रही हूँ थैंक यू, देन मैं बैठ गई। देन उसके मुझे इतना अच्छा लग रहा था, वाओ यार दैट्स अ रियली अमेजिंग फीलिंग्स फ्रॉम अस। एंड यू नो देन उसके बाद हम लोग, अगले दिन हमारी थी प्री वेडिंग। मैं पूरा अपना सामान लेकर गई थी प्री वेडिंग का एंड मेरी पूरी प्री वेडिंग भी बनी हुई है, पूरा यूट्यूब पे मेरी प्री वेडिंग भी बनी हुई है। मैं आपको लिंक, अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, और साथ में मैं कुछ पिक्स इसमें भी वीडियो में भी डालूंगी, तो आप वो प्री वेडिंग के वीडियोज़ देख लीजिएगा। एंड उसके बाद जब हमारी प्री वेडिंग हुई, उसके बाद हमारी इंगेजमेंट हुई, वो भी हमारी फरवरी में हुई थी। 2 फरवरी को मेरी इंगेजमेंट हुई थी एंड शादी और इंगेजमेंट के बीच हमने कोई गैप नहीं रखा था,
क्योंकि इनको भी वापस यूएस आना था और मेरा भी काफ़ी सारा काम होना था, यूएस का वीज़ा एंड ऑल, काफ़ी सारी चीज़ें होनी थी। तो 2 तारीख को हमारी इंगेजमेंट हुई थी और 7 तारीख को 7 फरवरी, जो कि यू नो कल है, एंड 7 फरवरी को हमारी शादी होगी। तो 7 फरवरी 2018 वी गॉट ऑफिशियली मैरिड and happy anniversary to my dear husband and I really love you so much and by God grace, by everyone's grace, हमारी आज के डेट में हमारी प्यारी सी बच्ची भी है and I'm so much happy and कुछ memories है जो मैं यहाँ पर आपको पूरा share कर रही हूँ and प्यारी सी memories हैं जो मेरी pre wedding की है, जो मेरी शादी की memories है and फिर हम लोग यहाँ पर US आकर settled हो गए and यहाँ हमने इतना घूमा, इतना ज़्यादा घूमा 2 साल तक, बिकॉज हमारा पूरा प्लानिंग था कि हम 2 साल बाद ही बेबी करेंगे, उसके पहले हम लोग नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना भी बोलता रहे, ठीक है। देन आफ्टर 2 ईयर्स हमने बेबी करी एंड उसके पहले हमने इतना ज़्यादा घूमा, हर एक महीने हमारी ट्रिप्स लगती थी, कहाँ कहाँ हमारी ट्रिप्स नहीं लगी हैं, दैट्स रियली अमेजिंग। हम लोग ने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करा, घूमा फिरा एंड हमारे मम्मी पापा भी आज हमारे साथ US में हैं एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग। एंड अब life is going on and everyone's blessings with her and so this is my true love story and this is my beautiful love story and thank you so much jeevansathi.com and believe me guys, one most important thing, literally agar aap log apna jeevansathi dhoond rahe hain to just go to jeevansathi.com, that's the best app, इससे ज्यादा अब मैं नहीं बोल सकती क्योंकि वो उठ के बैठ चुकी है और अब वो मेरे को ओके बाय गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।